और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल अपहरण केस में आज फैसले का दिन है। बाहुबली अतीक और अशरफ की पेशी होगी प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में। 28 फरवरी 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया था। राजू पाल हत्याकांड में गवाह था उमेश पाल। गवाही को रोकने के लिए उमेश पाल को किडनैप कर लिया गया था। अगवा कर अतीक के चकिया वाले दफ्तर पर ले जाने का आरोप अतीक और उसके गिरोह पर लगा। अतीक के ध्वस्त कार्यालय में एक टॉर्चर रूम भी था। पुलिस के मुताबिक यही उमेश को बांधकर सारी रात उसको टॉर्चर किया, मारा पीटा गया। कोर्ट में गवाही के दौरान अपने बयान से पलट गया था उमेश। कहा था हत्याकांड के वक्त वो मौके पर नहीं था। बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया अतीक अहमद। आज काफी अहम दिन उसके लिए, क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ नैनी जेल में अभी है। अतीक को साबरमती जेल से कल नैनी जेल प्रयागराज लाया गया और बरेली जेल से अशरफ को, अतीक अहमद के भाई को, नैनी जेल लाया गया और हाई सिक्योरिटी बैरक में उनको रखा गया है। आज फैसले का दिन है और आज कोर्ट सजा का ऐलान भी कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि आज अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पेशी होगी प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में। उमेश पाल, जिसकी हत्या दिन दहाड़े कर दी गई थी 24 फरवरी को, उसी के किडनैपिंग केस से जुड़े इस केस में आज फैसला सुनाया जा सकता है। उमेश पाल अपहरण केस में आज फैसले का दिन है। सुनवाई हो चुकी थी, उमेश पाल की तरफ से गवाही दे दी गई थी और गवाही देकर ही वो 24 फरवरी को अपने घर वापस लौट रहा था कोर्ट से। तभी अतीक और अतीक का गिरोह, अतीक का बेटा असद, जिन पर आरोप है कि उन्होंने उमेश पाल को मौत के घाट उतारा, उन्होंने उमेश पाल पर गोलीबारी की और उसे गोलियों से भून दिया। उमेश पाल अपहरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देंगे। नहीं होगा अशरफ और अतीक का मेडिकल। सुबह 10:30 बजे सीधा जेल से कोर्ट लाया जाएगा। अलग अलग गाड़ियों से दोनों को कोर्ट लाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में आज माफिया अतीक अहमद और अशरफ को सीधे जेल से कोर्ट लाया जाएगा। सुबह 10 बजे सीधे उनको जेल से कोर्ट लाया जाएगा और कोई मेडिकल ना अतीक का होगा ना अशरफ का होगा। अलग अलग गाड़ियों से दोनों को कोर्ट लाया जाएगा।